नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही शानदार वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि फ्यूचर में हम सभी को HDFC बैंक जैसा प्रॉफिट है जो निकाल कर दे सकते हैं, या दोस्तों फ्यूचर का HDFC बैंक बन सकते हैं। सबसे पहले अगर आप सभी चेक करेंगे तो HDFC बैंक ने मैक्स के अंदर यहाँ पर चेक कर लें 29,000% का प्रॉफिट बनाकर दिया है। 1999 से चालू होती है गाइस, लगभग यहाँ पर 25 साल हो चुका है ये कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए, और इस कंपनी ने हमारे पैसे लगभग यहाँ पर 290 गुना बना दिए। तो अगर आज से पहले किसी ने भी इस कंपनी में 1,00,000 रुपये लगाया होता तो आज के टाइम में उस बंदे के 1,02,90,00,000 में बदल गए होते। तो गाइस, इस कंपनी ने पैसा तो बहुत बनाकर दिया, और साथ में अगर हम बात कर लें HDFC बैंक की, तो गाइस आज के टाइम में मार्केट में टॉप के ऊपर गाइस यही हमको बैंक देखने को मिल जाता है। तो गाइस, अगर हम बात कर लें HDFC बैंक की, अगर हम यहाँ पर खरीदते हैं 1,600 रुपये के पास, 1,500 के पास, 1,800 के पास, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले 2 साल में 3 साल में हमारे ये पैसे अभी डबल कर सकती है, और गाइस इससे ज़्यादा नहीं बना सकती, क्योंकि ये कंपनी क्या है, हर 3 साल में डबल हो रही है आज के टाइम में। पर अगर हम कुछ ऐसे स्टॉक खरीद लेंगे जो गाइस जिनके फंडामेंटल अच्छे होंगे, जो आज के टाइम में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये के पास मिल रहे होंगे, तो गाइस डेफिनेटली वो कंपनी हमको यहाँ पर 100 गुना, 200 गुना और 500 गुना का भी प्रॉफिट बनाकर दे सकती हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 4-5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही सस्ते भाव में मिल रहे हैं, जिनके कि फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंस सेक्टर की यहाँ पर कंपनी है, बैंक सेक्टर की कंपनी है, इसी के साथ साथ गाइस ये कंपनियाँ फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक चीज मैं कहूंगा कि भाई, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसे कि आप सभी को कहा था कि आपको अगले में 1 महीने के अंदर अंदर 50 से 60 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं गाइस, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, पैनी कैप, जो कि मार्केट में सबसे बढ़िया है। आप सभी को इनमें से भी 8 से 9 स्टॉक या 10 स्टॉक ढूंढना है जो आपको अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे। तो गाइस 50 से 60 स्टॉक तो मैं बताऊंगा, बाकी स्टॉक आपको इनमें से वेरीफाई करना है कि जिनके फंडामेंटल सबसे अच्छे हैं उनमें हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमाएं। बाकी दोस्तों, अगर आपसे भी यहाँ पर चेक करेंगे, आज के टाइम में हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है काफ़ी ऊपर जाते नजर आ रहे हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है लगभग यहाँ पर 1.5% से, ICICI बैंक भी ऊपर है, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक है गाइस, ये भी हमको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट चेक करें, BSE सेंसेक्स भी हमको आज के टाइम में ऊपर देखने को मिल रहा है, और आज गाइस कुछ कंपनियों में मैंने यहाँ पर प्रॉफिट भी बुकिंग की है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो हमारी पहली कंपनी है आज के टाइम में 26 रुपये के पास है, और गाइस ये कंपनी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा कमा कर दे सकती है। पर फिर से ये गाइस कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे भी चेक करेंगे 6 महीने के अंदर 10% से नीचे है, जबकि 1 साल में ये गाइस लगभग 6% नीचे है। 5 साल में अगर आपसे भी चेक करेंगे 990% का ये कंपनी ने प्रॉफिट बनाकर दिया है। इस कंपनी में काफ़ी बार डिप लगा था, हम चेक करेंगे यहाँ पर कंपनी में 15 रुपये का हाई था, फिर गाइस कंपनी यहाँ पर गई 8 रुपये के पास, यहाँ पर भी कंपनी 11 रुपये के पास गई थी, फिर गाइस कंपनी ने पैसा कमा कर दिया। तो अगर हमको किसी भी कंपनी में पैसा निकालना है गाइस, किसी भी सेक्टर में पैसा निकालना है, हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम उस कंपनी को सस्ते भाव पर खरीदें। तो 5 साल में तो ये कंपनी ने लगभग 1000% का प्रॉफिट बनाकर दिया, पर पिछले 1 साल में ये कंपनी लगातार ही नीचे है। तो गाइस अभी तक नहीं भागी, पर जब दोबारा ये भागना चालू करेगी हमको बहुत ही अच्छा पैसा कमा कर दे सकती है। कंपनी का नाम आपसे चेक करेंगे, UI फिनकॉर्प लिमिटेड। तो गाइस सबसे पहले अगर हम इस कंपनी का बिजनेस चेक कर लें, तो ये हमारी कंपनी फाइनेंशियल और गाइस इसके जितने भी सर्विस होते हैं इसके रिलेटेड, तो उसके अंदर काम करती है। सर्विस ऑफर में आपसे भी यहाँ पर चेक करेंगे, सबसे पहले ये फंड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग होगी, इंडस्ट्रियल एसेट हो गया, उसका गाइस जो फंडिंग होती है, लोन अगेंस्ट यहाँ पर शेयर, तो गाइस ये प्रोवाइड करती है। इसी के साथ हमारा फी बेस्ड सर्विस भी प्रोवाइड करती है। क्लाइंट में अगर आपसे भी चेक करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रेट ईस्टर्न, जैन रियल्टी, मनी स्क्वायर, MST स्टील एंड पावर, तो गाइस ऐसे करके कुछ बड़े क्लाइंट भी इस कंपनी के देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप चेक कर लें, 500 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, जितनी छोटी कंपनी उतना बड़ा यहाँ पर रिस्क, और गाइस उतना यहाँ पर प्रॉफिट बनने के चांस। करंट प्राइस कंपनी का 26, हाई कंपनी का 36 है, और आज के टाइम में ये लो कंपनी 22 रुपये के पास लगा करे, तो गाइस बिल्कुल अपने लो के पास ये कंपनी देखने को मिल जाती है। स्टॉक पी के अंदर जैसे कि आपसे भी चेक करेंगे, 7 का इस कंपनी का पी रेशियो है, और ROC एंड RE यहाँ पर चेक करें, दोनों 20% से ऊपर है। इंडस्ट्री पी अगर आपसे भी चेक करेंगे लगभग 23 के पास, तो गाइस अगर इंडस्ट्री के पास भी ये कंपनी का स्टॉक का भी ज़्यादा, तो हमारे पैसे यहाँ पर 3 गुना आसानी से बनाकर दे सकती है। इसी के साथ साथ डेप्ट टू इक्विटी आपसे भी चेक करेंगे, बिल्कुल ही 0 है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट को तो यहाँ पर चेक कर लें, 60% के पास देखने को मिल जाता है।
और सबसे जो अच्छी चीज़ है ये कंपनी को लेकर क्या है कि भाई सेल इसका लगातार ही बढ़ रहा है, 15 करोड़ 85 57 आज के टाइम में 122 करोड़ का ये कंपनी ने सेल दर्ज किया, जबकि नेट प्रॉफिट अगर आप से भी चेक करेंगे 3 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ के पास हो चुका है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा हमको ग्रोथ दिखा सकती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो सबसे अच्छी बात है, 61% से बढ़कर आज के टाइम में ये कंपनी का प्रमोटर हैं 71 हो चुके हैं, भाई 10% के पास होल्डिंग बढ़ी है, बिल्कुल लो प्राइस पर है। तो मेरे हिसाब से 3 साल में ये कंपनी को कम से कम 10 गुना जान चाहिए और अगले 6 महीने में ये कंपनी को यहाँ से डबल या 3 गुना जरूर होना चाहिए। दोस्तों अभी हम बात कर ले हमारे जो दूसरा स्टॉक है आज के टाइम में 22 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है, 1.5% से नीचे है, जबकि 6 महीने में 15% का प्रॉफिट बनाकर दिया, 1 साल में लगभग 95, 5 साल में ये कंपनी 294 और मैक्स के अंदर ये कंपनी का 10% का हमको प्रॉफिट है जो देखने को मिल जाता है। इसमें बात कर रहा हूँ LKP सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपसे भी चेक कर सकते हैं गाइज, इनका हमको एक ब्रोकर ऐप भी देखने को मिल जाता है जिसमें हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, फ्यूचर के अंदर कर सकते हैं गाइज, हम सिंपल मार्केट में भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली गाइज ये कंपनी भी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, जैसे जैसे इस कंपनी के क्लाइंट बढ़ेंगे, यूज़र बढ़ेंगे, तो ये कंपनी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है। आपसे भी चेक करेंगे मार्केट कैप 178 करोड़ के पास है, 200 करोड़ से भी ये कंपनी का मार्केट कैप कम है, करंट प्राइस 22, हाई कंपनी 28 रुपये के पास लगा कर रही है, लो कंपनी का 10 रुपये के पास है, और इस कंपनी को हमने 17-18 रुपये के पास भी काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। स्टॉक का भी जैसे कि आपसे भी चेक करेंगे 14.6 के पास है, और इसी के साथ साथ ROC एंड ROE दोनों का यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, और इंडस्ट्री आज के टाइम में 15 के पास देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपसे भी चेक करेंगे तो ये कंपनी की सेल भी अच्छे तरीके से बढ़ रही है, 77-96 आज के टाइम में 108 करोड़ का ये कंपनी का सेल नंबर आया है, और नेट प्रॉफिट में जैसे कि आपसे भी चेक करेंगे 3 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ का कर लेगा इस कंपनी ने 2 साल के अंदर। तो ये भी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। इसी के साथ साथ इस कंपनी में भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करेंगे तो पहले जो प्रमोटर 70.24 के पास थे आज के टाइम में 71.60 के पास हो चुके हैं। तो गाइस इस कंपनी के अंदर भी प्रमोटर बढ़ रहे हैं, तो ये कंपनी अच्छा हमको ग्रोथ दिखा सकती है। दूसरा FIs की होल्डिंग भी ये कंपनी में लगभग 4% के पास बनी हुई है, तो डेफिनेटली ये गाइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ पर हो जाती है। इसी के साथ साथ पब्लिक के अंदर चेक करेंगे तो हमारे एक HAS लाइफस्टाइल लिमिटेड वाले बड़े आप मान सकते हो DIs हैं, उनकी होल्डिंग भी इस कंपनी में बनी हुई है। और गाइज हम बात कर लें हमारी जो तीसरी कंपनी है आज के टाइम में सिर्फ 2 रुपये के पास इस कंपनी का भाव है, बहुत ही रिस्की कंपनी, उतना ही यहाँ पर प्रॉफिट बनाकर देने का दम। अगर आपसे भी चेक करेंगे ये कंपनी 1995 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनी का नाम है ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड। गाइज देख लीजिए 2 रुपये के पास इस कंपनी को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेनली गाइज ये कंपनी यहाँ पर क्या काम करती है, तो गाइज मेनली ये कंपनी जो मशीन की सप्लाई करती है, इंस्टॉल करती है उसको, कमीशनिंग, और गाइज ये इसका यहाँ पर शुगर प्लांट होगा, जैगर प्लांट होगा, फार्मास्यूटिकल प्लांट है गाइज, वो भी इसका देखने को मिल जाता है। मार्केट कैप में अगर आपसे भी चेक करेंगे 44 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, NSE SM की कंपनी है। अगर 400 करोड़ के पास भी मार्केट कैप जाएगा पैसे 10 गुना, और 4000 के पास जाएगा पैसे 100 गुना। गाइज ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है पर इन कंपनियों में उतना रिस्क रहता है, आपके पैसे जीरो भी ये कंपनियाँ कर सकती हैं। करंट प्राइस अगर आपसे भी चेक करेंगे तो 2 रुपये के पास है, लो कंपनी का 0.80 से चालू हुआ था और लगभग 6 रुपये के पास कंपनी गई थी। गाइज अगर हम 0.80 से मान लें तो लगभग यहाँ पर 70 से 80 गुना ऑलरेडी ये कंपनी भागी हुई है, और फिर गाइज वहाँ से कंपनी नीचे आई है। आज के टाइम में इस कंपनी को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी की सेल यहाँ पर बहुत ही अच्छी हो रही है लगातार। मार्च 2022 में 21 करोड़ 23 में 35 आज के टाइम में 30 करोड़ का ये कंपनी का सेल है, जबकि नेट प्रॉफिट में आपसे भी चेक करेंगे 0.57 करोड़ का ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का आया है। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अभी आपसे भी चेक करेंगे तो ऑलरेडी कंपनी इतना प्रॉफिट बनाकर दे चुकी है, पर इस कंपनी के प्रमोटर कम नहीं हुए। हम चेक करेंगे लगातार 68% के पास इस कंपनी में प्रमोटर बने हुए हैं। तो गाइस ये भी कंपनी हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली रहने वाली है। दोस्तों कंपनी का नाम फिर से आपसे भी चेक कर लीजिए, ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड है, और गाइस ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी रहने वाली है, और ये बाय और सेल रिकमेंडेशन भाई बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं हमारी लास्ट दो कंपनीज के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये दोनों कंपनियां काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, तीनों कंपनियां बताई हैं। तो पहली कंपनी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और गाइस ये हमारी चौथी और पांचवी कंपनी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, इनका नाम मैं लास्ट में बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना।
और अब तक अगर आपसे मैंने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे स्टॉक ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिए, और कमेंट भाई करना ना करना आपकी मर्जी है, पर वीडियो को लाइक करके यहाँ पर जरूर जाएँ। तो आपसे भी चेक करेंगे 16 रुपये 27 पैसे के पास ये कंपनी का प्राइस है, 6 महीने में 11% से नीचे है, 1 साल के अंदर 62% का प्रॉफिट बनाकर दिया है, 5 साल में गाइस 67 है, और मैक्स के अंदर ये कंपनी आज के टाइम में भी डिस्काउंट के अंदर है। दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप चेक करिए, सिर्फ यहाँ पर 9.74 के पास, बहुत छोटी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी। पर अगर आपसे भी चेक करेंगे हाई कंपनी का 23 के पास है, आज के टाइम में अपने हाई से लगभग 50% के ये कंपनी डिस्काउंट में है ऑलमोस्ट। और इसी के साथ साथ स्टॉक भी अगर आपसे भी चेक करेंगे 7 के पास देखने को मिल जाता है, और इस कंपनी का बुक वैल्यू 22 के पास है, तो गाइस अभी भी ये कंपनी ऊपर जा सकती है। दूसरा ROC एंड ROE गाइस 11 और 9 के पास देखने को मिलता है, इंडस्ट्री भी आई के टाइम में 23 के पास है, तो अगर ये भी गाइस इंडस्ट्री भी के पास पहुँचती है तो हमारे पैसे लगभग 2 से 3 गुना ये कंपनी बहुत आसानी से बना कर दे सकती है। और अगर हम सभी इस कंपनी की सेल पर डालते हैं तो धीरे धीरे करके ये लगातार अपनी सेल है वो बढ़ा रही है, चेक करेंगे 1.48, 2.50, आज के टाइम में 3.26 और 3.67 करोड़ का ये कंपनी ने जो अपना सेल कर लिया है, हर साल ये कंपनी की सेल बढ़ रही है। और नेट प्रॉफिट में अगर आपसे भी चेक करेंगे, जो कंपनी का बिल्कुल ही कम नेट प्रॉफिट किया करती थी, 1 करोड़ के पास दूर दूर तक नहीं पहुँचती थी, आज के टाइम में 1.26 करोड़ का ये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। तो इसके चलते मेरे हिसाब से कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है। और बैलेंस शीट में अगर आपसे भी चेक करेंगे तो लगातार इस कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, 5.60 करोड़ से लगभग यहाँ पर 60.60 करोड़ के पास कंपनी का रिजर्व पहुँच चुका है। कर्जा इस कंपनी का जो पहले 3-4 करोड़ 6 करोड़ के पास था, आज के टाइम में बिल्कुल जीरो है, तो ये भी बहुत बड़ा इस कंपनी का प्लस पॉइंट है। और अगर आपसे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करेंगे तो लगातार इस कंपनी में हमारे प्रमोटर 55% के पास बने हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि चौथी कंपनी हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें थोड़ा रिस्क है पर प्रॉफिट बनने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। दोस्तों आपसे भी इस कंपनी का नाम चेक करेंगे, GSB फाइनेंस ORDSH है, तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फाइनली हम बात कर लें हमारी जो लास्ट कंपनी है जो इन सभी कंपनियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे को नज़र आ रही है। आज से पहले इस कंपनी को 2.50 रुपये के पास मैंने डिस्कस किया था लगभग 5 दिन पहले, और आपसे भी चेक करेंगे वहाँ के बाद ये कंपनी लगभग 10% के पास भाग चुकी है, 10 से 15% के पास। और आप चाहो तो मेरी 5 से 6 दिन पुरानी वीडियो यहाँ पर चेक कर सकते हो, मैंने इस कंपनी को डिस्कस किया था। पिछले 1 महीने में 20% का प्रॉफिट है, 6 महीने में 23% से नीचे है, जबकि 1 साल के अंदर अगर आपसे भी चेक करेंगे 45% का प्रॉफिट बनाकर दिया है, और 5 सालों में ये कंपनी का हमको 101% और मैक्स के अंदर ये कंपनी का हमको 183% का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो गाइज आपसे भी इस कंपनी के बारे में चेक करेंगे, सबसे पहले गाइज हमारी ये कंपनी जो फाइनेंसिंग हो गया, इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट वगैरह कैपिटल मार्केट की एक्टिविटीज़ देखते हुए रहती है, और मार्केट कैप इस कंपनी का 122 करोड़ के पास है। गाइज 122 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 2.86 देखने को मिलता है, हाई कंपनी का 4.35 के पास था, तो आज के टाइम में गाइज अपने लो के पास है। दूसरा स्टॉक का भी सिर्फ यहाँ पर 15 के पास देखने को मिल जाता है, और इस कंपनी में हम इंडस्ट्री पे चेक करेंगे 23 के पास है, तो यहाँ से भी गाइज कंपनी हम चेक करेंगे अंडर वैल्यूड जोन में मिल रही है। इस कंपनी का प्रॉफिट पिछले 5 साल में 121, सेल्स ग्रोथ लगभग 184% के हिसाब से बढ़ा है। और इसी के साथ साथ अगर हम ये कंपनी के अगर यहाँ पर चेक कर लें प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर हैं, तो सबसे पहले कंपनी सेल कितनी अच्छी तरह कर रही है, 21 में चेक करेंगे सिर्फ 6 करोड़ के पास था, और सिर्फ 21 से आज के टाइम में चेक करेंगे 915 करोड़ के पास ये कंपनी ने अपनी सेल बढ़ा ली है, और नेट प्रॉफिट ये कंपनी का चेक करेंगे 8 करोड़ के पास हमको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करते हैं इस कंपनी का, तो आज के टाइम में जैसे कि आपसे भी चेक करेंगे 21% के पास ये कंपनी में प्रमोटर बने हुए, तो भाई आप इस कंपनी का नाम चेक कर सकते हैं, एडविक कैपिटल लिमिटेड है, तो इस कंपनी में भी रिस्क बहुत ज़्यादा है, और इन सभी कंपनियों में रिस्क है गाइस, एक नहीं सभी कंपनियों में रिस्क है, और प्रॉफिट बनने का चांस भी सभी कंपनियों में। पर एक चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए कि किसी भी कंपनी को अगर आप लो प्राइस पर खरीदते हैं तो वहाँ पर हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है और प्रॉफिट बनने के चांस हाई रहते हैं। तो आप गाइज अपनी समझदारी के बीच में जितने भी आपको कंपनी दिखती है भाई सभी को यहाँ पर एक वॉचलिस्ट बनाइए, उन सभी में से अच्छे कंपनी ढूंढिए, सस्ते माते खरीदिए, महंगे माते यहाँ पर बेचिए, और गाइज मार्केट में हमेशा अच्छी कंपनी आपको मिलेंगी, बस आपको सस्ते भाव में खरीदना है, हाई पर बेचना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, आज के स्टॉक अच्छे लगे, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर करके जरूर जाना।